1984 के दंगों के बाद इलेक्शन हुए और राजीव गांधी भारी वोटों से जीत के पीएम बने। उन्होंने पीएम बनते ही कहा कि पंजाब की प्रॉब्लम उनके लिए टॉप प्रायोरिटी है, तो उन्होंने पहले जितने भी अकाली लीडर जो जेल में थे उनको निकाला और अकाली लीडर्स के साथ मिलकर 24 जुलाई 1985 को राजीव लोंगेवाल अकॉर्ड साइन किया। इसमें एक मेन पॉइंट था कि 26 जनवरी 1986 को चंडीगढ़ पंजाब में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब देखिए, भिंडरवाले की तो डेथ हो गई थी, लेकिन भिंडरवाले एक सोच थी और ये सोच अभी भी थी कुछ लोगों में। भिंडरवाले के समर्थक अभी भी पंजाब में थे जिनको ये राजीव गांधी के साथ साइन हुआ अकॉर्ड बिल्कुल पसंद नहीं आया और बाद में संत लोंगेवाल की उन्होंने हत्या कर दी। राजीव गांधी जी ने सिचुएशन को तुरंत संभालने के लिए अकॉर्ड साइन तो कर लिया था और अकालियों को वादा भी कर दिया था, लेकिन हरियाणा के सीएम भजन लाल ने राजीव गांधी को कहा कि अगर चंडीगढ़ पंजाब को चला गया तो हरियाणा के हिंदू उनको वोट नहीं देंगे और आपके हाथ से हरियाणा भी चला जाएगा। ये बात राजीव गांधी को समझ में आई और बाद में वो इस